जनता मुजफ्फरनगर के नुमाइश पंडाल स्थित अमर जवान ज्योति पर स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सेवा कुमारी जे और नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल रहे, जिन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं श्रद्धांजलि देने वालों में एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, एसडीएम अजय अंबश, नगर पालिका ईओ विनय मणि त्रिपाठी, उद्योगपति अभिषेक अग्रवाल सहित नगर पालिका के सभासद मौजूद रहे। अमर जवान ज्योति पर हर वर्ष 14 अगस्त को यहाँ दीप प्रज्वलन किया जाता है। अमर जो शहीद हैं हमारे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी यादगार में यहाँ दीप प्रज्वलन किया जाता है। नगर पालिका की पूरी टीम सजग है। देखिए, आप चारों तरफ बहुत अच्छी लाइटिंग का व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छी फूलों से हमने जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। डीएम साहिबा भी आई थी, एडीएम साहब भी थे, सभी लोगों ने हमने मिल करके पुष्पांजलि। कल की क्या व्यवस्था रहेगी चेयरमैन साहब? कल की आप व्यवस्था देखेंगे, बिल्कुल एक नया ही माहौल आपको हमारी नगर पालिका में प्रांगण में मिलेगा। इसके अलावा जितने भी कोरोना योद्धा हैं हमारे, जिन्होंने महामारी जैसी वैश्विक महामारी में बढ़ चढ़ कर बिना अपनी जान की परवाह किए कार्य किया है, जनहित के कार्य किए हैं, उनको सम्मान किया जाएगा। हमारे सभी सभासदगण और अधिकारीगण कर्मचारीगण मिल करके उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और आप सभी आमंत्रित हैं, मीडिया बंधु आप सभी नगर पालिका में आमंत्रित हैं। पहले 9 बजे ध्वजारोहण होगा, फिर 12 बजे के करीब उनका जो है सम्मान किया जाएगा। आप देखिए कि एक आपको एक अलग ही वातावरण नगर पालिका में मिलेगा। हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, जिसमें भारत को आज़ादी मिली थी, उसके क्रम में कल इस आज की पूर्व संध्या पे हमारे नुमाइश कैंप में जो हमारा अमर शहीद स्तंभ है, इस पे आज जिलाधिकारी महोदया, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका महोदया, सभी अधिकारीगण, सभी समाज सभासदगण, सभी कर्मचारीगण द्वारा जो है इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और कल भी 15 अगस्त को जो माननीय मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त हुए हैं कि सभी को कोविड को देखते हुए भी 15 अगस्त के राष्ट्रीय ध्वज और उसके महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस को पूरी तरह से मनाना है। इसके अलावा अपने अमर शहीदों के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आम नागरिकों को, अपने बच्चों को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, सभी बच्चों को इन अमर शहीदों का जो बलिदान है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास रहा है, इस राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है, इन सबको बताएंगे, तभी युवा पीढ़ी जो है 15 अगस्त के महत्व को समझेगी और ताकि हम लोग अनवरत रूप से इस राष्ट्रीय पर्व को मना सकें। सर, लॉकडाउन जो तो रहेगा शनिवार? लॉकडाउन जो का त्यों रहेगा, उसमें माननीय मुख्य सचिव को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, कोविड को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम से बचना है, किसी प्रकार की सभा आयोजित से बचना है, जो भी स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन